हाँ हेलो। अरे राजू भाई कहाँ हो? अरे दिख नहीं रहा, मैं नहा रहा हूँ। देखिए सर, पति पत्नी के बीच में झगड़ा हुआ होगा और उसी झगड़े के वजह से पति को हार्ट अटैक आया होगा। अरे यही हुआ होगा और क्या। दिखा देंगे सबको कि कमीने हम आज भी उतने ही हैं। हाउसफुल 5 में हुई इस बड़ी एक्ट्रेस की एंट्री, अक्षय कुमार के साथ लीड रोल में आएंगी नजर। अक्षय कुमार के साथ बन रही हाउसफुल 5 में अब ऑफिशियल तौर पर जैकलिन फर्नांडिस भी नजर आएंगी। बॉलीवुड हंगामा ने दावा किया है कि जैकलिन अक्षय कुमार के साथ लीड रोल में नजर आएंगी। रिपोर्ट के अनुसार जैकलिन हाउसफुल फ्रेंचाइजी में वापसी करने के लिए बहुत ही खुश है। उन्हें कॉमिक स्पेस पसंद है और वो साजिद नाडियाडवाला और हाउसफुल फ्रेंचाइजी के साथ अपना जुड़ाव जारी रखने के लिए काफी एक्साइटेड है। जैकलिन के अलावा इस फिल्म में 3 और एक्ट्रेसेस नजर आएंगी। ऐसे में साजिद उनसे बात कर रहे हैं और जल्द ही आधिकारिक घोषणा की जाएगी। दिसंबर 2023 में खबर आई थी कि फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई है, अब ये 6 जून 2025 को रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला ने एक आधिकारिक बयान जारी किया और लिखा, हाउसफुल फ्रेंचाइजी ने अपने फैंस की वजह से बड़ी सफलता हासिल की है। ऐसे में हम हाउसफुल 5 के लिए भी इसी तरह के प्यार की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा, हाउसफुल 5 के लिए टीम ने एक बेहतरीन कहानी लिखी है जिसमें अच्छे VFX की जरूरत है। इस वजह से हमने रिलीज को आगे बढ़ाने का फैसला किया जिससे हम हाउसफुल 5 में 5 गुना पंच दे सके। हाउसफुल 5 अब 6 जून 2025 को रिलीज होगी और इस फिल्म को तरन मन सुखानी डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे प्रोड्यूस साजिद नाडियाडवाला करेंगे। और सभी हाउसफुल में अक्षय कुमार और रितेश देशमुख कॉमन रहे हैं। अब फिर एक बार इसमें जैकलिन की वापसी हुई है। इसके अलावा 3 और एक्ट्रेसेस की तलाश जारी है। हाउसफुल 4 पुनर्जन्म को लेकर है। हाउसफुल 4 में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सैनन, पूजा हेगड़े और कृति करवांडा लीड रोल में थी।